फिल्म की शुरुआत में हमें एक परिवार को दिखाया जाता है जिसमें पिता जैक, माँ एलिस और बेटी सैरा शामिल होते हैं। जैक दरअसल एक स्कूल का टीचर है और एलिस एक साइकोलॉजिस्ट। वो सभी गाड़ी से अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं, जहाँ रास्ते में जैक अपने लैपटॉप से एक फाइल अपलोड करने की कोशिश करता है, लेकिन नेटवर्क ना होने के कारण उसकी फाइल अपलोड नहीं होती। इसलिए वो एक फोन बूथ में आकर वहाँ के इथरनेट केबल के जरिए फाइल अपलोड करने लगता है। तब उसे वहाँ एक न्यूज़पेपर का टुकड़ा मिलता है जिसमें आज की डेट के साथ एक आर्टिकल लिखा था कि आज रात 8 बजे एक दुर्घटना में जैक की बेटी सैरा की मृत्यु हो गई। जो पढ़कर जैक एकदम दंग रह जाता है और तुरंत टाइम देखता है जहाँ 8 बजने ही वाले थे। तभी वहाँ एलिस गाड़ी में सैरा को अकेले छोड़कर जैक के पास आने लगती है ये देखने की फाइल को अपलोड होने में और कितना समय लगेगा। पर जैसे ही वो आगे बढ़ती, वहाँ से गुजर रही एक ट्रक जैक की गाड़ी को टक्कर मारते हुए आगे बढ़ जाती है, जिससे गाड़ी में से पेट्रोल लीक होने लगता है। लेकिन इससे पहले कि जैक और एलिस सैरा को बचाने गाड़ी के पास जाते, एक जोरदार धमाका हो जाता है जिसमें सैरा मारी जाती है, यानी कि उस न्यूज़पेपर में भविष्य की चीज लिखी हुई थी। लेकिन आखिर कैसे हमें आगे पता चलेगा? अब वहाँ पुलिस वाले और मीडिया वाले आ जाते हैं, जहाँ जैक सभी को उस न्यूज़पेपर के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन किसी को भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता। साथ ही एलिस को ये भी लग रहा था कि सैरा को खोने के सदमे में जैक ऐसी बातें कह रहा है, इसलिए वो भी उसके बात पर ध्यान नहीं देती। वहीं अब हम उस न्यूज़पेपर के टुकड़े को देखते हैं जो हवा में उड़ रहा होता है। फिर हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ जैक और एलिस का डिवोर्स हो चुका है और दोनों अब अलग रहते हैं। तब जैक स्कूल में पढ़ाने आता है, लेकिन वहाँ एक लड़की उसे अजीब तरह से घूर रही होती है जिससे जैक को भी अजीब लगता है, पर वो इस पर इतना ध्यान नहीं देता। दूसरी तरफ एलिस एक महिला का सेशन ले रही होती है जिसमें वो उसे एक न्यूज़पेपर के बारे में पूछती है जो वही न्यूज़पेपर होता है जिसे जैक ने पढ़ा था। दरअसल जैक ने जब एलिस को बताया कि उसने अपनी बेटी की मृत्यु के बारे में पहले ही उस न्यूज़पेपर के टुकड़े में पढ़ लिया था, तब एलिस ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया, इसलिए जैक ने उसे डिवोर्स दे दिया, क्योंकि जब उसे उस पर भरोसा ही नहीं है तो ऐसे रिश्ते में रहने का क्या फायदा। जो चीज एलिस को काफी बुरी लगी थी, इसलिए उसने अपनी तलाश शुरू कर दी उस न्यूज़पेपर के बारे में। और जितना वो तलाश करते गए उसे उतना ही मामले मिलते गए जिसमें लोगों ने उस न्यूज़पेपर को पढ़ा है जो कि भविष्य की चीजें बताता है और वो सच भी होती है। फिर वो महिला एलिस को बताती है कि स्पेस में एक ऐसी जगह है जहां भूत और भविष्यकाल की चीजें रिकॉर्ड होती है, और वहीं से वो न्यूज़पेपर लोगों के पास आता है ताकि वो उन्हें बचा सके जिनकी मृत्यु होने वाली है। लेकिन तुम्हें इस मामले से दूर रहना चाहिए वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, जो सुनकर एलिस हैरान हो जाती है। दूसरी तरफ जैक बच्चों की बुक चेक कर रहा होता है, तब वहाँ एक आदमी आकर उसे कुछ पेपर चेक करने देता है, पर जैसे ही वो पेपर चेक करता है वो आदमी फिर से आकर उसे वही पेपर फिर से चेक करने देता है जिन्हें अभी जैक ने चेक करके मार्क्स भरा था, लेकिन इस बार वो सारे पेपर बिना चेक किए होते, जो देखकर जैक हैरान रह जाता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। यानी कि जैक ने जो पहली बार पेपर चेक किया वो बस उसकी इमेजिनेशन थी, या तो वो किसी तरह के टाइम लूप में फंस चुका है जहाँ से वो भविष्य में होने वाली चीजों को भी देख पा रहा है। फिर इसके बाद जब जैक घर आ रहा होता है तभी उसे एक आदमी वही न्यूज़पेपर बेचते हुए दिखाई देता है, और इस बार जो न्यूज़पेपर उसे मिलता है उसमें उस लड़की की मृत्यु के बारे में लिखा था जो जैक को क्लास में घूर रही थी। वहीं इधर एलिस को उसी महिला का फोन आता है जिसका वो सेशन ले रही थी, जो काफी डरी हुई होती है, जो उसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाती फोन कट हो जाता है। इसलिए अब एलिस तुरंत उसके घर जाती है, पर अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि वहाँ उसे उस महिला का शव मिलता है और आसपास उसी न्यूज़पेपर के टुकड़े भी पड़े थे। तब एलिस को उसके हाथ में एक तस्वीर मिलती है जो जैक की होती है, यानी कि अब मरने की बारी जैक की है, और यही बात वो महिला एलिस को बताना चाहती थी लेकिन उससे पहले उसकी मृत्यु हो गई। इसलिए अब एलिस तुरंत जैक को फोन लगाकर उस न्यूज़पेपर के बारे में बताती है, लेकिन जैक फोन कट कर देता है क्योंकि उसे लग रहा था एलिस उसके साथ बेहुदा मजाक कर रही है। फिर जैक उस लड़की से मिलने जाता है जिसके मरने की खबर उसे मिली थी, जिस पर वो कहते कि मुझे भी वो न्यूज़पेपर मिला था लेकिन इसका कोई फायदा नहीं क्योंकि जो लिखा है वो होकर ही रहेगा, इसलिए बेहतर यही है कि हम कुछ ना करें, जो इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। पर जैसे ही वो घर के बाहर आती है गुंडा चाकू दिखाकर उसे लूटने की कोशिश करता है, लेकिन फिर जैक तुरंत उसे बचाने वहाँ जाता है और उस गुंडे को मारकर बेहोश कर देता है।
पर उस लड़की का समय पूरा हो चुका था जिससे वो वहीं मारी जाती है। जो देखकर जैक उदास हो जाता है क्योंकि अगर जो तय किया है वो कोई बदल नहीं सकता तो आखिर इस पेपर का क्या फायदा। अब अगले सीन में एलिस खुद जैक से मिलने आती है और उसे वो तस्वीर भी दिखाती है जो उस महिला के हाथ में थी। जो देखकर जैक एकदम घबरा जाता है क्योंकि अब वो भी मरने वाला है। इसके बाद अब एलिस उसे एक हॉस्पिटल में लेकर आती है जहाँ के बारे में उसे खबर मिली थी कि कुछ सालों पहले यहाँ एक बच्चा आया था जिसे भी न्यूज़पेपर के जरिए ये पता चल जाता था कि कौन मरने वाला है। साथ ही उस बच्चे को ऐसी बीमारी थी कि वो 18 साल से पहले ही बूढ़ा होकर मर जाएगा। तब उस बच्चे ने अपनी किताब में सारे मरने वाले लोगों के बारे में लिखना शुरू कर दिया कि किसकी मौत कैसे होगी, और किताब भर जाने पर उसने दीवारों और जमीन पर भी लिखना शुरू कर दिया और फिर आखिर में खुद के खून से भी लिखने लगा जिससे खून ज्यादा बह जाने के कारण उसकी मौत हो गई। फिर रात को जब जैक सो रहा होता है तब सपने में उसे सहरा काफी भयानक रूप में दिखाई देती है जिससे घबरा कर उसकी आंखें खुल जाती है। फिर अगले दिन एलिस को उसके दोस्त द्वारा टीम नाम के आदमी के बारे में पता चलता है जिसे सबसे पहले ऐसा न्यूज़पेपर मिला था, इसलिए वो उससे मिलने निकल जाती है। वहीं जैक खुद का कंट्रोल खोकर स्कूल के बोर्ड पर कुछ लोगों की लैंडस्लाइड से हुई हत्या के बारे में लिख रहा होता है और जब थोड़ी देर बाद वो न्यूज देखता है तो सच में काफी लोगों की लैंडस्लाइड से मृत्यु हो जाती है। जो देखकर जैक दंग रह जाता है कि आखिर उसके साथ ये क्या हो रहा है। वहीं अब एलिस जैक को लेने आती है ताकि उसके साथ टीम से मिलने जा सके, लेकिन जब वो घर आती तो वो ये देखकर दंग रह जाती है कि जैक ने पूरे घर में और पेपर पर उन लोगों के बारे में लिखा होता है जिनकी हत्या होगी। जैक अब उसे इसके बारे में पूछती है लेकिन वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं मालूम कि मेरे साथ क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई जबरदस्ती मेरे दिमाग में ये न्यूज डाल रहा है और मेरा दिमाग फिर उसे कहीं पर भी लिखने पर मजबूर कर रहा है। जो सुनकर एलिस भी दंग रह जाती है, इसलिए वो तुरंत जैक के साथ टीम से मिलने आती है ताकि जल्द से जल्द इसकी तह तक जा सके। लेकिन जब वो दोनों टीम के घर पहुंचते तो उन्हें वहाँ कोई भी दिखाई नहीं देता और पूरा घर खाली होता है। सिर्फ हर तरफ वैसे ही न्यूज़पेपर थे जिसमें लोगों के मरने के बारे में लिखा हुआ था। अब घर की और तलाशी लेने पर उन्हें टीम द्वारा बनाई हुई खुद की कुछ सीडीज मिलती है जिसमें टीम कहता है कि मुझे 12 साल पहले पता चला था कि किसकी कब हत्या होने वाली है और तभी से अक्सर मुझे ऐसे लोगों के बारे में पता चलता गया जिसे ना चाहते हुए भी मेरे हाथ ने लिखना शुरू कर दिया। साथ ही वो ये भी बताता है कि मरने वालों को बचाया जा सकता है लेकिन उन्हें काफी समय पहले ही इसके बारे में बताना होगा, और वहीं अगर वो बच गए तो जिसने उसे बचाया उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी क्योंकि जैसे जैसे मैं लोगों को बचाते गया वैसे वैसे मेरा शरीर अंदर से जलने लगा। तब टीम की आखिरी वीडियो में उन्हें वो पूरी तरह से जला हुआ दिखाई देता है और अब जब वो दोनों घर की और तलाशी लेते तो एक जगह उन्हें टीम की राख मिलती है जिससे दोनों डर जाते हैं और तुरंत वहां से अपने घर आ जाते हैं। यहाँ उन्हें समझ आता है कि अब जैक ही बचा है जिसे लोगों की हत्या के बारे में पता चलता है, इसलिए अब वो ये तय करता है कि भले ही मैं मर क्यों ना जाऊं मैं टीम की तरह लोगों को बचाने का काम करूंगा। अब इसके बाद जैक के पास अपने आप ही एक पेपर आ जाता है जिसमें लिखा था कि एक ट्रेन द्वारा घटना में 100 लोग मारे जाएंगे, जो पढ़कर वो घबरा जाता है क्योंकि उसमें एलिस भी शामिल होती है, इसलिए वो तुरंत उसे बचाने जाता है। जहां वो एलिस को तो बचाने में सफल हो जाता है लेकिन 99 लोग मारे जाते हैं। पर अब भविष्य बदल जाने के कारण जैक का हाथ जलना शुरू हो जाता है क्योंकि भविष्य में 100 लोगों का मरना लिखा था लेकिन जैक ने एलिस को बचा लिया जिससे 99 लोग मारे गए। फिर रात होने पर जब एलिस और जैक घर पर होते तभी कोई दरवाजे पर दस्तक देता है और अब जैसे ही जैक दरवाजा खोलता है तो वो उस समय में पहुंच जाता है जब उसका और एलिस का डिवोर्स हुआ था, यानी कि यहाँ जैक को एक और मौका मिला था ताकि वो सिर्फ भविष्य लिखने का काम करे ना कि उसे बदलने की कोशिश करे। अब इसके बाद जैक को उन सारे लोगों के विजन दिखाए जाते हैं जिन्होंने भविष्य बदलने की कोशिश की थी, जैसे कि टीम और वो बच्चा। तब टीम जैक से कहता है कि तुम्हें मेरी तरह गलती नहीं करनी चाहिए थी, ये दरअसल तुम्हारा दूसरा मौका नहीं है बल्कि एक टाइम लूप है जिसमें तुम हमेशा के लिए फंस चुके हो जब तक तुम्हारी जान नहीं चली जाए। अब इसके बाद जैक खुद को फिर से उसी फोन बूथ में पाता है जहां से वो सहरा को बचाने की कोशिश करता है, पर अब उसे बचाने के चक्कर में एलिस मारी जाती है।
और अब एलिस के मरते ही वो फिर से फोन बूथ में आ जाता है और इस बार वो खुद को उस ट्रक के अंदर पाता है जिसका ड्राइवर नशे के कारण बेहोश था। वहीं जैक ट्रक को रोकने की बहुत कोशिश करता है लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता, जिससे फिर ट्रक गाड़ी को टक्कर मार देती है जिसके कारण वो फिर से उसी फोन बूथ में पहुंच जाता है। और इस बार जब वो सहरा को बचाने गाड़ी के अंदर जाता है तब ट्रक उन दोनों को ही टक्कर मार देती है जिससे जैक का पैर सीट के नीचे फंस जाता है। तब उसे समझ आता है कि इन सबको रोकने का बस एक ही रास्ता है, वो है उसकी मृत्यु, क्योंकि भविष्य में जो लिखा है वो होकर ही रहेगा। इसलिए वो तुरंत सहरा को निकाल कर उसे एलिस को दे देता है और फिर खुद उसके अंदर रह जाता है जिससे फिर धमाके का कारण इस बार उसकी ही मृत्यु हो जाती है। और अब उसके मरते ही ये लूप भी खत्म हो जाता है, साथ ये भविष्यवाणी भी सही हो जाती है कि जैक मारा जाएगा। तब सहरा को एक न्यूज़पेपर मिलता है जिसमें लिखा था कि जैक मरने वाला है और फिर इसी कंफ्यूजिंग एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। अब हम इस मूवी की बात करें तो इस मूवी में क्लियर नहीं दिखाया गया है कि ये सारी चीजें कौन कर रहा था, लेकिन हम उस महिला की बात से समझ सकते हैं कि ये चीज कोई अननोन एंटिटी कर रही होगी जो कि स्पेस में रहती है और उसके पास भूत और भविष्यकाल की सारी जानकारी है और वो ही एंटिटी पृथ्वी के कुछ इंसानों को अपनी शक्तियों के जरिए ये बता देती है कि किसकी मृत्यु कब और कैसे होने वाली है। और फिर उन लोगों का टेस्ट शुरू हो जाता है कि वो क्या करेंगे, क्या वो ये चीज जानकर भविष्य बदलने की कोशिश करेंगे या फिर उस एंटिटी वाली बात पर भरोसा करके मान लेंगे कि भविष्य नहीं बदला जा सकता। और जो एंटिटी की बात मान लेता है वो बच जाता है और जो भविष्य बदलने की कोशिश करता है वो मारा जाएगा, बिल्कुल उन्हीं लोगों की तरह जो सभी इस मूवी में मारे गए। लेकिन हमने मूवी में किसी ऐसे इंसान को नहीं देखा जो एंटिटी की बात पर भरोसा करके भविष्य बदलने की कोशिश ना कराओ। सभी ने एक दूसरे को इसके बारे में बताकर उसे बदलने की कोशिश की, इसीलिए उस एंटिटी ने सभी को टाइम लूप में फंसाकर मार दिया, जिसमें वो लड़की भी शामिल थी जो जैक को क्लास में घूर रही थी क्योंकि उसने खुद ही जैक से कहा था कि उसने अपने मरने की खबर न्यूज़पेपर में देखी है और अब जो उसके साथ होगा वो रोका नहीं जा सकता, जिससे यह बात साफ हो जाती है कि उसे भी लोगों के मरने के बारे में पता चला था। साथ ही आखिरी में जैक के मरने के बाद सच्चाई तो बदल गई और सहरा बच गई, पर तब उसे भी वो न्यूज़पेपर मिला जिसमें जैक के मरने के बारे में लिखा था, यानी कि अब सहरा के साथ सारी चीजें होने लगेगी जैसे कि जैक के साथ हुई। लेकिन सहरा एंटिटी की बात मानेगी या फिर अपने पिता की तरह भविष्य बदलने की कोशिश करेगी? इसी सस्पेंस को ऑडियंस पर छोड़कर ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।